कोरोना काल में गांव में एक भी मौत न होने पर यहां लोगों ने अपने सिर मुंडवाकर एक अनोखी मिसाल कायम की है। नीमच जिले के मनाशा तहसील के छोटे से गांव देवरी खवासा में नवयुवक मंडल द्वारा पिछले कोरोना काल में मन्नत मांगी गई थी कि अगर कोरोना की वजह से अगर गांव में किसी की मौत नहीं होगी तो सभी युवा अपना सामूहिक मुंडन करवाएंगे। वहीं कोरोना काल में गांव के कुछ लोग संक्रमित तो हुए लेकिन एक भी मृत्यु इस गाँव में नहीं हुई, जिसका गाँव वालों ने भगवान की कृपा मानी और इस मन्नत को पूरा करने के लिए पूरे गाँव के लगभग 80 से अधिक लोगों ने मुंडन करवाया, जिसमें 15 साल से लेकर 70 वर्ष तक के नए युवक और बुजुर्ग शामिल हैं। वहीं पूरे गांव में इन लोगों की शोभा यात्रा निकाली गई और हर गली चौराहे पर डीजे पर धमाल करते हुए यह माता के मंदिर में पहुंचकर पूजा संपन्न की। गांव में लोगों के सर मुंडाते हुए देखने पर लोगों को यह अजीब अंधविश्वास की बात लगी, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने दूर से ही इस शोभा यात्रा में भाग लिया। वहीं इस जिले में इस मुंडन शोभा यात्रा की चर्चा हो रही है। न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। पिछले वर्ष से कोरोना के चलते बहुत से गांव में बहुत से नवयुवक बेजान मौत हुई है, उनको देखते हुए गांव देवरी का समय भी एक भय का माहौल बन गया था। इसको देखते हुए नवयुवक द्वारा ये मन्नत मांगी गई और देवनारायण भगवान की मान्यता पुराने वर्षों से चली आ रही है, जिनके यहाँ जो भी बोलवा करता है उनका काम ये अति उत्साहित से होता है। और इसी प्रकार ये साक्षात उदाहरण देखने को मिला है कि हमारे गांव में पिछले वर्ष एक भी मौत नहीं हुई, बाकी पॉजिटिव आए हैं और किसी के दुख का माहौल नहीं बना है। इसलिए भगवान देवनारायण द्वारा हमें जो हमारी श्रद्धा से जो कार्यक्रम रखा गया है मुंडन का, उनको अति उत्साहित पूर्ण किया गया है।